हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग। दोस्तों आपको बता दें कि टॉपिक चल रहा है संधि। संधि में आपको बता दें कि संधि तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? तो स्वर संधि के पाँच भाग होते हैं, जिनमें से हमने क्या पढ़ लिया है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है। आज का टॉपिक है गुण स्वर संधि। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, सिर्फ एक ही संधि एक टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मात्रा क्या होता है, ए और ओ। इसका ए का मात्रा ये होता है, ओ का मात्रा ये होता है, एक मात्रा और आता है जो ये ऊपर रेफ वाला रा होता है। अभी इसको बता देंगे कैसे क्या होता है। तो देख लेते हैं इसका कि जब हरस्व या दीर्घ यानी कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तथा छोटऊ या बड़ऊ से हो तो दोनों का मिलकर ओ हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी सूत्र से समझा देंगे, परेशान ना हो, मैं हूँ ना, परेशान नहीं हो। तो छोटा आ का मैंने क्या बोला, छोटा आ से या छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब री से हो जाए तो क्या बन जाता है, अर हो जाता है। नहीं समझ में आना छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको सूत्र के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा, ठीक। ये देखिए अब मैंने क्या बोला था कि जब हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जो है छोटी ई या बड़ी ई से हो, या बड़ा आ का बड़ी से हो जाए, या बड़ा आ का बड़ी ई से, या इसका इससे हो जाए, या फिर इससे हो जाए, किसी का किसी के साथ मेल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, जब हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो जाए तो ये ए बन जाता है, ठीक है। और इसका मात्रा ये है, छोड़ दीजिए अभी इसको बताते हैं। फिर इसके बाद क्या बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब छोटा ऊ से या बड़ा ऊ से हो जाए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यही बोला, क्या बोला था कि जब छोटा आ या बड़ा आ यानी हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब री से हो जाए तो क्या बन जाता है, ये तो ये अर बन जाता है। ए का मात्रा ये हो जाता है ऊपर एक चुटकी, और ओ का मात्रा नीचे एक डंडा ऊपर एक चुटकी, और अर का क्या हो जाता है, अर का ये हो जाता है, मतलब ये आपको ऐसे दिखेगा, इसको रेफ बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं इसको अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल। जैसे है पुष्प धन जमा इंद्र तो क्या हो जाता है, पुष्पेंद्र। अब इसको देख लेते हैं कि इसको तोड़ के देख लेते हैं कि कैसे संधि बनेगा एक एक शब्द। जैसे पुष्प है तो पुष्प में पा में आ लगा है तो इसको आ निकाल देते हैं, ठीक। अब जमा लगा देते हैं, अब यहाँ से छोटी ई ले लेते हैं। अब इसको पूरा जो है ये बचा इधर, इधर इतना ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। इसका हो जाएगा पू अधस्सा और पा में से आ निकाल लिए थे तो आधा पा भी हो जाएगा, इधर जमा इंद्र हो द्र हो जाएगा, ठीक। आधा ना रहेगा इसके बाद द्र, ठीक। और ये वाला जमा थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। जब इसको मिलाएंगे तब देखो मिलाने पर क्या बन जाएगा, जब इसको मिलाएंगे तब ये बन जाएगा पू आधा खट्टी सा और पा पूरा लिख देंगे, क्योंकि ये जब आ निकाले तो यहाँ पे हलंत था, अब आ और ई जब मिला देंगे आ ई से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ये वाला बताए थे ना, छोटा आ छोटी ई, ये देखो छोटा आ से या छोटी ई से जब मिलाएंगे तो ए बनेगा, तो यहाँ भी छोटा आ छोटी ई से मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, ठीक। तो ये वाला मात्रा इस पे लग जाएगा और इसके बाद आधा दा इधर से ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा पुष्पेंद्र, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है कि जैसे है विवाह धन इतर, क्या है विवाह धन इतर, इसका आप देख लेते हैं कि विवाह धन इतर का क्या हो जाएगा, विवाहेतर। अब इसको एक तोड़ लेते हैं कैसे टूटेगा, जब हा से आ निकाल लेंगे और जमा लिख देंगे और छोटी ई ले आएंगे, ठीक। अब इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना, छोटी ई का मेल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे, अब इसको यहाँ से ले आएंगे तब ये जमा हो जाएगा, अब इसके बाद हा विवाह हो जाएगा, बी वा हा में हलंत लग जाएगा क्योंकि हा से आ निकाल लिए हैं, और इधर ई इधर आ गया तो तर इधर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बी वा हा हलंत वाला हा में जब ये वाला ये दोनों मिल के जो है ये वाला मात्रा जब इस पे जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा विवाह, और ये जुड़ जाएगा इधर विवाह तर, ठीक है, इसको याद रखना।
अब इसके बाद एक और कर लेते हैं, फिर इसको अब इसके बाद आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन सा है, जैसे सुरेश, गणेश, देखो सुरेश, गणेश, परमेश्वर, भार, तेंदु। अब इसको जब तोड़ोगे क्या बनेगा बताओ, इसका बन जाएगा सुर जमा ईस, ठीक है, सुर जमा ईस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुरेश, इसका गण जमा ईस गणेश, अब इसका हो जाएगा परम जमा ईश्वर परमेश्वर, भारत का हो जाएगा भारत जमा इंदु, तो क्या हो जाएगा भार तेंदु, भारत जमा इंदु भार तेंदु, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका मेल देखते हैं, छोटा आ वाला, इसका छोटा आ या बड़ा आ यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब छोटा या बड़ों से होता है तो ये बन जाता है ओ। अब इसका देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल, और आप ध्यान में रखना, भूलना नहीं कोई भी चीज़, अभी 2 मिनट की 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, थोड़ा सा और बस। जैसे है मानव जमा उचित, मानव जमा उचित में इसको तोड़ लेते हैं कैसे हो जाएगा, तो पहले आप यहाँ से ले लीजिए, वा से आ निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आ, अब इसके बाद जमा लिखते और यहाँ से छोटा उ हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इधर जो है प्लस चित जोड़ देंगे, और इसके बाद इधर हो जाएगा मानव, मा न वा से आ निकाल लिए थे तो वा जो है हलंत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मानव लिख दिए मानव, ठीक, अब ये आ और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, आ और ये मिलके बन जाएंगे एक डंडा के ऊपर एक मात्रा, मतलब इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि ये वाला जाके ये ऐसे बनेगा, ठीक, मानव हो जाएगा, अब ये चित जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मानव चित, इसको याद रखना। और फिर एक और आपको समझा देते हैं, हितोपदेश, हितोपदेश, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं कैसे टूटेगा ये, जैसे कि यहाँ ता से आ ले लिए, फिर जमा, फिर छोटा उ ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, जमा हित बचा, हित ता के नीचे हलंत, क्योंकि ता में से आ निकाल लिए थे और इधर से छोटा उ आ गया था, तो यहाँ पे बचा प्रदेश, प देश, ठीक, ये प्रदेश हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब छोटा आ का छोटा उ से जोड़ देंगे तब ये एक पाई डंडा वाला ये बन जाएगा, ऐसे करके एक मात्रा, एक पाई और डंडा वाला ये बन जाएगा। अब जब इसका शब्द बना देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हित लिए तो ये हो जाएगा हित, ये हित हो गया। अब छोटा और बड़ा जब जोड़े तो ये वाला मात्रा बना, तो ये मात्रा जो हो जाके तापे जुड़ेगा तब ये ताप पूरा हो जाएगा, तब इसका कहने का मतलब हो जाएगा ये वाला बनेगा, ठीक, हितोप। अब यहाँ से प्रदेश लिख देंगे, प दे से हितोप देश, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये इस तरह से हो जाएगा हितोप देश, ये वाला वाक्य पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद इसके भी कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे परमोत्सव, परम धन उत्सव, जलोदय, जल धन उदय, पूर्वोत्तर, पूर्व धन उत्तर, पूर्व धन उत्तर, इसका अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति, नवोदित, नवधन उदित, ठीक। आप एक बात और ध्यान रखना कि सब में देखिए एक मात्रा डंडा आ रहा है ना, एक मात्रा डंडा, ये आप मात्रा ऊपर वाला याद रखना, इन सभी में ऊपर एक मात्रा याद आएगा, गुण संधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके ऊपर एक चुटकी वाला मात्रा आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है, आप सब में देख सकते हैं। अब बचा किसका, जब छोटा आ का बड़ा आ मतलब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब री से होता है तो अर बनता है, अर के ये मात्रा वाला, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो स्टूडेंट अब इसको तोड़ लेते हैं कि जैसे लिखा है ब्रह्मधन ऋषि, तो ये इसका हो जाएगा ब्रह्म ऋषि, अब इसको तोड़ के देख लेते हैं कैसे इसका बनेगा, माँ से आ निकाल लिए, ठीक है, माँ से आ निकाल लिया, अब इसके बाद जमा और रा से मतलब ऋषि री यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक एक अब देख लेते हैं कि इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों से मिलकर क्या बताया था, अर बनता है ना, ये अर हो जाएगा, ठीक, आधार आ रहेगा। अब इसके बाद मात्रा जोड़ लेते हैं, जैसे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, खट्टी सा पे छोटी मात्रा सी, और इधर क्या हो जाएगा ब्रा आधा हा, ये हो जाएगा आधा हा, और माँ से आ निकाल लिए थे तो माँ भी आधा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आधा, ये आधा हा भी है आधा माँ भी है, ठीक, क्योंकि आ बाहर कर लिए थे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब देख लें, अब इसको जोड़ने पे क्या बन जाएगा, ब्रह्म लिखते हैं पहले, ब्रा आधा हा और माँ इतना लिख दिए, अब जो ये अर है, अब ये अर जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देख लें, जब इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ देंगे, जैसे ब्रह्म है तो ये आ वाला, जब आ ये जाके माँ में जुड़ जाएगा तो ये माँ पूरा हो जाएगा,
तब ये मा पूरा हो जाएगा, बचेगा क्या, ये रा, आधा रा। तो ये आधा रा जो है पहले वाले वर्ड पे नहीं जाता, ये बाद वाले वर्ड पे जाता है, जैसे कि अभी बता देंगे उसको भी कैसे जाता है। तो ये हो जाएगा रसे, ये वाला रा उड़ के ये वाला रेफ वाला रा यहाँ चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रा अपने बाद वाले पे जाके जुड़ जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा ब्रह्मर्षि। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट कि देव जमा ऋषि है, तो देव जमा ऋषि में तो इसका आ निकाल लिए, वा से आ निकाल लिए, फिर जमा और ऋषि का री लिख दिए, ठीक। अब इसको देख लेते हैं कैसे पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देव, देव में हलंत लग जाएगा क्योंकि वा निकाल लिए हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका री यहाँ लिख दिए, सी हो जाएगा, ठीक। अब इसका देख लेते हैं कैसे हो जाता है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके अर हो जाएंगे, आ रा, रा हलंत हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो इसको ध्यान रखो, ये हो जाएगा देव, देव हो गया, ये आ जो है ये आ निकाले थे वा से, फिर वा में जोड़ देंगे तो ये वा पूरा हो जाएगा, और इसके बाद अर बचेगा, ये आधा रा बचेगा, तो ये चला जाएगा ऋषि में, इसको मात्रा लगा दे क्योंकि ये जैसे का है तैसे लिख देंगे, अब फिर इसके बाद ये रा जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक छोटा सा साधारण एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि कर्म है, देखो कर्म है कर्म, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, क र म, ठीक। अब ये रा जो है इसी पे तो जुड़ता है, थोड़ा सा और तोड़ के दिखा दें आपको, जैसे हो जाएगा का भी आधा हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, तो ये का पूरा हो जाएगा, अब फिर जमा रा आधा है, फिर प्लस मा है, फिर प्लस आ है, ठीक। अब इसको देखो, ये आधा रा जो है तो ये जाके माँ पे जुड़ेगा, और ये माँ भी आधा है तो ये माँ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्म, ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ेगा, और इसके बाद ये वाला इसके माँ के ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्म। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ग्रीस, ग्रीष्मर्षि, तो हो जाएगा ग्रीष्म धन ऋषि, और ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म धन ऋतु हो जाएगा, महर्षि है महाधन ऋषि। तो स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, जब प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब उसमें आप एग्जांपल से और अच्छी तरह से अपना सही जवाब दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।